पर जयपुर से है जहां योजना भवन से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां से पुलिस ने 2,31,49,500 रुपए करेंसी बरामद की है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बेसमेंट पर रखी एक अलमारी के बैग से ये नगद राशि और 1 किलो सोने के बिस्किट भी मिले हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव उषा शर्मा और DGP उमेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, दिनेश एमएन भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया है कि योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारियों में 2000 और 500 के नोटों से भरा बैग मिला है। मामले में 7 से 8 लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है, तो वहीं पुलिस उच्च स्तर पर पूरे मामले की जाँच कर रही है। उधर CS उषा शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मामले की जानकारी दी है। हालांकि देखिए, जिस तरह के पूरा मामला सामने आया है, 2000 और 500 के इतने ज्यादा नोट मिले हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा ये धनराशि है और ऐसे के अंदर प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है, 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है। तो वहीं CS उषा शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दी है। और देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत बेहद गंभीर है। हालांकि शुरू से ही गहलोत ने अपनी एक नीति रखी है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की नीति। और इसी बीच कर्नाटक की घटनाओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बना दिया और भी ज्यादा गंभीर, क्योंकि वहां भाजपा की चुनावी हार में मुख्यमंत्री पद लगे भ्रष्टाचार के आरोप मुख्य कारण रहे हैं। और इसी संदर्भ में सामने आया है कि 2,31,49,000 की नकदी और 1 किलो सोना मिलने से जुड़ा ये प्रकरण। गहलोत ने तत्काल मामले की जांच सौंप दी है DGP उमेश मिश्रा और ADG दिनेश एमएन को, और साथ ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और सारे घटनाक्रम पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी भी की है और साथ ही में कहा है कि गलत समय पर राजस्थान में उठा एक गलत मुद्दा और अब केंद्र सरकार और भाजपा घेर सकती है गहलोत सरकार को इस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए चुनावी साल है और इसी चुनावी साल के अंदर इतनी बड़ी धनराशि मिलना, आप समझ सकते हैं 2 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि, वो भी नगद राशि, 500 और 2000 के नोटों से भरा हुआ बैग और साथ ही में 1 किलो सोना, कई सवाल देखिए खड़े कर देता है। हालांकि इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गहलोत सरकार दिखाई देगी, प्रशासनिक कार्रवाई भी इस पे की जाएगी, पर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अब इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो कहीं ना कहीं अब ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें केंद्र सरकार अब कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक तरफ जहां इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी, 7 से 8 लोगों को जिन्हें डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी, पर अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है कांग्रेस पार्टी को घेरने का। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले की जानकारी उषा शर्मा ने DGP उमेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान दे दी थी, क्योंकि जिस तरह की देखिए धनराशि मिली है ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। 500 और 2000 से भरा हुआ बैग, 2 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि है और ऐसे के अंदर सरकारी विभाग के किसी अलमारी से इस तरह का बैग मिलना, नोटों से भरा एक बैग मिलना सरकारी विभाग के लिए कई सवाल खड़े कर देता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सवाल खड़े कर देता है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले का खुलासा अब हो चुका है, प्रशासनिक कार्रवाई में प्रशासन की टीम जुटी हुई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा इसको कहा जा सकता है। CS उषा शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसकी जानकारी दी है, पर बड़ा सवाल ये कि आखिर धनराशि आई कहां से, अलमारी में उसको किसने रखा, बैग में उसको किसने भरा और आखिर कौन है वो लोग। इन तमाम मुद्दों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जिन 7 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि DGP उमेश मिश्रा खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, एक एक जिस पर भी शक हो रहा है उन सभी से बातचीत की जा रही है, पर ये कई बड़े सवाल करता है सरकारी विभाग के लिए भी।
हालांकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर पहले से ही काफी गंभीर है और ऐसे में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने को भी कहा गया है लगातार। शाम को 3-4 बजे के आसपास उन अलमीराज को दोनों को उनके लॉक को तोड़ा तो एक अलमीरा के अंदर तो फाइलें निकली और दूसरे अलमीरा के अंदर एक बैग जो लैपटॉप बैग है जो बच्चे अपने पीठ पे लेकर के कोचिंग वगैरह में जाते हैं और एक ट्रॉली वाला सूटकेस मिला। उन्होंने लैपटॉप बैग को खोल करके देखा तो उसके अंदर करेंसी नोट्स थे। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया जिसके बाद में उनके निर्देशन पे पुलिस को उन्होंने ये सूचना दी। SHO अशोक नगर को पुलिस के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर उस सारी करेंसी को नियमानुसार और विधि की प्रक्रिया अपना करके जब्त किया गया। जब उनकी गणना की गई तो वो कुल 2,31,49,500 की मुद्रा पाई गई 2000 के और 500 के नोटों में और साथ में 1 किलो का गोल्ड बार सोने का एक बिस्किट कह लें 1 किलो का सोने का बिस्किट भी उस सूटकेस में और इन बैग्स में दोनों को जब निकाल के देखा गया तो ये चीज़ पाई गई। इनको 102 CRPC के तहत पुलिस के द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और साथ में इस चीज़ के लिए एक विशेष टीम DG साहब के निर्देश से चीफ सेक्रेटरी मैडम के निर्देश से इस पे काम कर रहे हैं अधिकारी कि ये पैसा जो है अभी इसका कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है सामने कि ये पैसा किसका था किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा कब से वहाँ पहुँचा इसकी गहनता से जांच की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी काशुराम जुड़ चुके हैं। काशुराम, सरकारी विभाग में बैग मिलता है इतनी बड़ी धनराशि, हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों में धनराशि, कई सवाल खड़े करती है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये एक गंभीर मसला है और इसी को लेकर के रात 11 बजे मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जो कार्यालय है उसके अधीन जो आधार का UIDA का जो ऑफिस है उसके बेसमेंट में ये राशि बरामद हुई है और ये जो राशि है इसका कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है, कोई क्लू नहीं मिला है कि कौन इसका मालिक है, किसने ये राशि रखी थी, क्योंकि लंबे समय से ये अलमारी बंद बताई जा रही थी और इसे खोला नहीं गया था। पिछले दिनों जब डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इसे खोलने का प्रयास किया और जब कल इसे खोला गया तब धनराशि होने का कुछ शक हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची, तब पुलिस ने जब जांच की है तब उसमें ये सामने आ रहा है कि जो धनराशि है वो 2,31,49,500 रुपए है और साथ ही 1 किलो सोने का बिस्किट भी एक मिला है, तो कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ के आसपास का ये पूरा अमाउंट हो सकता है। तो ऐसे में अब पुलिस के पास जांच चल रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी जांच भी पुलिस कर रही है जिसमें कि चूंकि पुलिस का कहना है कि ये राशि अभी वर्तमान में इकट्ठा नहीं हुई है बल्कि पहले से ही लाई हुई थी, तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज चेक करने में काफी समय लग सकता है पुलिस को और जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी हैं जो कि जिनका वहां पर रीच थी उन सभी से पूछताछ इस बारे में चल रही है। 7 से 8 लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है, इनमें जो कि वहाँ कर्मचारी काम करते थे, फाइल प्रोसेस करते थे, साथ ही जो सुरक्षा गार्ड हैं या दूसरे कर्मचारी हैं उन सब से यहाँ पर बातचीत पूछताछ चल रही है। तो अभी हालांकि पुलिस ने किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया है कि किस की ये धनराशि हो सकती है, चूंकि सरकारी विभागों में धनराशि एकत्रित करने का कोई प्रचलन नहीं है और जब भी अगर सरकारी डिपार्टमेंट में कोई राशि एकत्रित होती है तो वो ट्रेजरी के मार्फत जमा हो जाती है, तो यहाँ पर इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब पुलिस इन बिंदुओं की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और जो भी जिसकी भी धनराशि है उसके बारे में पता लगा लिया जाएगा। जी काशुराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।